और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। सूरजपाल के वकील एपी सिंह का दावा है देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है, ये एपी सिंह का दावा है। दिल्ली में इलाज करा रहा था देव प्रकाश मधुकर, उसने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली के उत्तम नगर से की गई गिरफ्तारी, पुलिस ने इसे गिरफ्तारी दिखाया है। पुलिस ने मधुकर पर 1,00,000 रुपए का इनाम रखा था, हादसे के बाद से ही वो फरार था। मधुकर सत्संग का मुख्य आयोजक था जिसका नाम है पूरा देव प्रकाश मधुकर, और अब खबर आ रही है कि उसने सरेंडर कर दिया है, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। उसके बाद इस पर 1,00,000 रुपए का इनाम था, मुख्य आरोपी इसे ही बनाया गया है। ये सेवादार जिसकी जिम्मेदारी थी हाथरस में सत्संग के आयोजन को लेकर, मुख्य जिम्मेदारी इसी की थी और इसी को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है। ये फरार चल रहा था, आज ही एपी सिंह ने कहा कि वो फरार नहीं है बल्कि उसका इलाज चल रहा है और वो जैसे ही ठीक होगा पुलिस के सामने आ जाएगा, और आज ही मधुकर ने सरेंडर कर दिया है। हाथरस प्रकरण में जो FIR में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, SIT को और STF को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है SIT को और उत्तर प्रदेश पुलिस को, अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें, अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा कह, इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता है कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए, इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना करे, कहे कि कहाँ है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए, कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए, अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें STF और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता। तो सुना आपने एपी सिंह को कह रहे हैं कि मधुकर इलाज करवा रहा था, हादसा हाथरस में हुआ, आयोजन हाथरस में था और दिल्ली में इलाज चल रहा था देव प्रकाश मधुकर का, जब 121 लोगों की उधर मौत हो गई और कई जो जख्मी हैं, हाथरस और आसपास के अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो दिल्ली में इलाज करवा रहा था, अब उसने सरेंडर कर दिया है। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, एपी सिंह को पूरा हमने सुना, पूरी तैयारी चल रही है कि जिस तरह से सूरजपाल को अभी तक आरोपों से मुक्त रखा गया है, उस दायरे से बाहर रखा गया है, जो मुख्य आरोपी है देव प्रकाश मधुकर, उससे भी कहीं ना कहीं संरक्षित करने की कोशिश दिख रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगातार जो पुलिस है वो देव प्रकाश मधुकर की तलाश कर रही थी और सुबह ही आज एपी सिंह ने बयान भी दिया था कि जल्दी से सरेंडर कराया जाएगा और देर रात आज उसको सरेंडर करा दिया गया है। देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके के बयान एपी सिंह ने दिए हैं, जो वादा किया उसे निभाया गया और इसके अलावा ये बयान भी दिया गया कि उसकी हार्ट पेशेंट है, लिहाजा उसका ख्याल रखा जाए, जो मुख्य आरोपी है पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया है, आयोजक का फॉल्ट माना है। इनिशियल जो SIT की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो शासन को सौंपी गई थी उसमें भी आयोजकों को आयोजकों का फॉल्ट माना गया था और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से 121 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन इन सब के बीच लगातार दबिश भी दी जा रही थी और क्योंकि 1,00,000 रुपए का इनामी था मधुकर, लिहाजा पुलिस और SIT की टीम, इसके अलावा SPF, नोएडा SPF, ये तमाम एजेंसी लगी हुई थी। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था उससे आज नहीं तो कल देव प्रकाश की गिरफ्तारी होनी थी, तो सरेंडर किया उसने, क्या ये पता चल पाया कि हाथरस में हादसे के बाद ये इलाज के लिए दिल्ली कब पहुंच गया?
बिल्कुल देखिए आपको बता दें, ये संभवतः जिस तरीके से सिनेरियो क्रिएट किया गया, ऐसा लग रहा है सोची समझी रणनीति के तहत कराया गया है। और शुरुआती तौर में जब एबी सिंह यहाँ आए थे तो उस दौरान भी उन्होंने यही बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मधुकर की तबीयत खराब है, वो अस्वस्थ है, हार्ट पेशेंट है, लिहाजा उसका इलाज चल रहा है, जल्दी उसको वो पुलिस के सामने पेश होगा। और अब एकदम से बयान जारी किया जाता है कि एसटीएफ को और एसआईटी को स्टॉप दिया गया है, लिहाजा ये लगता है कि जो आरोपी है उसने सोची समझी रणनीति के तहत इस चीज को अंजाम दिया है और अब उसकी उसने सरेंडर किया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, एसआईटी की टीम, और जल्दी उसे हाथरस लाया जाएगा। देखिए मुख्य आरोपी है, आयोजक करता था, लिहाजा उसे तमाम सवाल होंगे जो आपके मेरे और आम जनता के मन में जहन में सवाल है कि आखिर जो लैक था वो कहाँ रह गया, जो कंफ्यूजन था वो कहाँ रह गया, और क्यों जिस तरीके से गरुण सेना, हरिवाहक और तमाम जो सेनाएं बनाई गई थी ब्लैक कमांडो की वो काम करती थी, लेकिन वहां पे पुलिस के एंट्री, प्रशासनिक अधिकारियों के एंट्री बैन थी, क्यों बैन थी, क्यों वीडियो नहीं बनाने दिया जाता था, ये तमाम बड़े सवाल हैं जो मधुकर से पूछे जाएंगे। हिमांशु, आज ही इस मामले में एससी एसटी एक्ट भी जोड़ दिया गया है एफआईआर में। अब जब मधुकर पुलिस की गिरफ्त में है, 6 लोगों की गिरफ्तारी पहले हुई है, कितनी मुश्किल कंडीशन में ये सभी है? देखिए जाहिर तौर पर आपको बता दें जो धाराओं में मुकदमा इनिशियली भी दर्ज किया गया था वो बेहद गंभीर धाराएं हैं, और जिस तरीके से 121 लोगों की मौत हुई तो जिम्मेदारी तय करनी होगी और एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो 24 घंटे में शासन को प्रस्तुत करनी होती है उसमें भी ये माना गया है कि इनिशियली जो लापरवाही है वो आयोजककर्ताओं की तरफ से थी, लिहाजा उसमें अहम कड़ी मधुकर हो जाता है, मधुकर से अब पूछताछ की जाएगी। इसमें जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी एसआईटी की टीम गठित है जिसमें एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ है, इसके अलावा मंडलायुक्त चैत्रा वी हैं और जो यहाँ के और भी पुलिस के सीनियर अफसर है, आईजी रेंज है शलम माथुर, ये तमाम लोग अब मधुकर ने सरेंडर किया है, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ला रही है और अब उससे पूछताछ की जाएगी, जो तमाम राज है उनसे पर्दा उठेगा, आयोजकों की कमी रह गई, एलआईयू की रिपोर्ट में कमी रह गई, पुलिस जो है उसने अनदेखा किया एलआईयू की रिपोर्ट में, या जो प्रशासनिक अधिकारियों की गीला हवाली थी, क्या ये तमाम बड़े सवाल है। देखिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये समझना बहुत जरूरी होगा कि 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है लेकिन प्रशासनिक स्तर पे, पुलिस के स्तर पे अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। हिमांशु, 6 सेवादारों की गिरफ्तारी हुई अब तक की जो बड़ी कार्रवाई कहें, और अब देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि वो सरेंडर किया जिसके बाद गिरफ्तारी दिखाई जा रही है, और इस घटना के होने के बाद से ही चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या पुलिस वाले हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे तो ऐसा लगता है कि सूरजपाल को बचाने की ही कोशिश चल रही है और कुछ इसी तरह से एक्शन लेने की कोशिश हो रही है कि सूरजपाल बाहर रहे और फिर जो करना है इसके अंदर ही कर ले। जाहिर सी बात है यहां पॉलिटिकल प्रेशर भी है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी है, यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष हो, कोई भी खुलकर सूरजपाल के खिलाफ तो नहीं बोल रहा है। अब जब गिरफ्तारी मधुकर की हुई है तो क्या कहें कि यही बलि का बकरा बनने वाला है? बिल्कुल देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, आज जब सुबह राहुल गांधी आए थे अपने विजिट के दौरान और पीड़ित परिवारों से मिले थे, उस दौरान भी मीडिया ने बड़ा सवाल पूछा था और उन्होंने उस सवाल को नजरअंदाज किया कि बाबा की गिरफ्तारी को लेकर बाबा पर शिकंजा कसा जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, या बाबा दोषी है या नहीं, इस तमाम तरीके के सवाल राहुल गांधी के सामने किए गए थे लेकिन राहुल गांधी ने उन सवालों को दरकिनार किया है। लिहाजा इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से इसका राजनीतिकरण हो रहा है, पहली बात, और दूसरी ये कि अब जिस तरीके से मधुकर की गिरफ्तारी हुई है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो तमाम सवाल यहाँ की पुलिस और प्रशासन के मन में होंगे, आयोजक ने कितनी माकूल तैयारी कर रखी थी, वहां पे जो सेवादार थे उनकी कमियां और खामियां कहाँ रह गई, क्योंकि मुख्य आयोजक कर्ता जो है वो मधुकर है, देव प्रकाश मधुकर, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, उसने सरेंडर कर दिया है। हिमांशु, कई और सवाल है, मधुकर जब वहां से भागा हाथरस से और दिल्ली के अस्पताल में वो एडमिट हो जाता है, इलाज करवाता है, क्या उसके साथ कुछ और लोग भी थे, क्या पहले उसे छिपाने की बचाने की कोशिश हुई थी, तो क्या सूरजपाल भी साथ था, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? तो जाहिर तौर पे देखिए बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका कि जब ये यहाँ से फरार हुआ तो उस दौरान किन किन लोगों ने मदद की फरार होने में, यहाँ से हाथरस से वो दिल्ली कैसे पहुंचा, किन की मदद से पहुंचा, किन किन की सलाह पर पहुंचा, कौन सा रूट लिया, कौन सी गाड़ी से गया,
पुलिस से कैसे बचा, घर में ताला मार के कहां गायब हुआ था, ये तमाम। हिमांशु लौटेंगे आपके पास, एपी सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, फोन लाइन पर मौजूद हैं। एपी सिंह जी, आपकी बाइट हमने पूरी सुनी, सरेंडर कर दिया देव प्रकाश मधुकर ने, दिल्ली कैसे पहुंच गए थे इलाज के लिए, कब पहुंचे थे ये दिल्ली इलाज के लिए, क्या आपने मनाया कि सरेंडर कर लो? जी हाँ, मैंने आपसे वादा तभी किया था जब हमारी पूरी जानकारी में समझा दिया कि इलाज हो जाए। मैंने आपसे आज दोपहर को सुबह कोई वादा किया था कि मैं एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाऊंगा, अरेस्टिंग स्टे नहीं लगाऊंगा, सरेंडर की कहीं नहीं लगाऊंगा, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने आपके सम्मानित चैनल पर वादा किया था और मैंने उस वादे को आज की डेट में निभा दिया है। वो कह रहे थे कल की डेट में करेंगे, मैंने कहा नहीं, ये मेरे वादा खिलाफी होगी। जैसे ही डॉक्टरों ने स्टेबल उस पर लिखा ईसीजी और रिपोर्ट पर, मैंने कहा अब मैं स्टेबल रिपोर्ट को अगले दिन के लिए नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि इससे अधिक अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। व्यक्ति के पास जो मधुकर है, परेशानी हुई, हार्ट पेशेंट पुराना है, इंजीनियर रहा हुआ है और इतना बड़ा हादसा भी 3 दिन पहले देखा है, 2 तारीख अभी कुछ दूर नहीं गई है, इतना बड़ा हादसा देखा, वहां नहीं इलाज हो पाया, दिल्ली में अपने रिश्तेदार के पास इलाज कराने आए, नजफगढ़ में आए। मैंने कहा आप देखिए स्टेबल होइए, जैसे स्टेबल हो, और मैंने कॉन्टेक्ट करके रखा, मैंने कहा हम सौंप रहे हैं, आज की डेट में आप लीजिए, अभी लीजिए, मानवाधिकारों का हनन ना हो, सुरक्षा करना, इलाज कराना अब आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है एपी सिंह जी, ठीक है एपी सिंह जी, आप हार्ट पेशेंट हैं, पुराने बीमार हैं और इसलिए दिल्ली आ गए अपने एक रिश्तेदार के घर इलाज करवाने के लिए। अच्छी बात है इन्हें दिल्ली में इलाज मिल गया, 121 लोग तो उधर खत्म हो गए, कई हैं जो हादसे का जो शिकार हुए उनके परिवार में रोना मातम है और वो अलग अलग अस्पतालों में हैं, उन्हें दिल्ली में इलाज मिले ना मिले, खैर इनको इलाज मिल गया, अच्छी बात है, अब इन्होंने सरेंडर भी कर दिया। ये तो बताइए जो जो केस दर्ज हुए हैं, जिन जिन धाराओं में केस दर्ज हुए हैं, किस तरह से अब जांच में सहयोग करेंगे? ये पूरी तरह हर तरह, अगर जांच में सहयोग ना करने की भावना होती तो हम एंटीसिपेटरी बेल लगाते, अरेस्टिंग स्टे लगा, मैंने वादा किया था आपसे कि मैं कहीं अरेस्टिंग स्टे, एंटीसिपेटरी बेल, सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे सीधे पुलिस को, क्योंकि हमें SIT, यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार और सब पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है, हमें पता है हमने कुछ गलत घटना हुई है, 121 लोगों की मौत हुई है, आयोजक मैं था, मैं मानता हूं, लेकिन उसने साफ तौर पर हमें बताया था जो मैं आपको बता चुका हूं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स आए थे, उन्होंने ऐसा हंगामा हुआ और प्रभु तो जी के जाने के बाद कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि मधुकर के मुताबिक वहां कुछ साजिश हुई थी, कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने लोगों को उकसाया और भगदड़ हुई। जो मैंने आपसे परसों कहा था वो यही था, यही बताया हुआ सबका था, और कल और आज मैंने वो वेरिफिकेशन अलीगढ़ हाथरस में इंजर्ड से भी कर लिया, टैली कर लिया, जो मधुकर कह रहा वही सब कह रहे थे। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में तो ये बात लिखी है कि सेवादारों ने ही धक्का मुक्की की, सेवादारों ने ही उन लोगों को लाठी डंडों से दूसरे रास्ते पर खदेड़ा जो खेत के रास्ते वहां से हटना चाहते थे। पुलिस तो कह रही हम थे ही नहीं, हमें अंदर घुस, दो बातें हैं, पुलिस कह रही आपसे हमने घुसने नहीं दिया, हमें आने नहीं दिया, अब ऐसे कहेंगे तो अलग, उनकी इच्छा है खैर वो अलग बात है, लेकिन हम सीधे सच्ची वाली बात है, नारायण साकार हरि के भक्त अनुयायी सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जो सत्य था बता दिया, ना हमें गिरफ्तारी से बचने की जरूरत थी, ना वहां हमें कई चश्मदीद थे, वहां कई लोग थे वो भी कह रहे थे कि फोटो नहीं खींचने दिया जा रहा था और सेवादारों ने धक्का मुक्की की, जिन घरों में मातम है उनमें कई लोग ऐसे हैं जब ये कह रहे हैं कि अब उन्हें कोई आस्था नारायण हरि में नहीं रह गई है, अब उनकी आस्था खत्म हो चुकी है। खैर एपी सिंह जी ये बताएं, एपी सिंह जी ये बताएं, मधुकर ने कब सरेंडर किया, क्या कुछ वीडियोस भी आपने बनाए हैं और जो बात आप लोग कह रहे हैं क्या उसका भी कोई सबूत है? जब मैंने मैसेज किया आपको तभी उसी समय मैंने सबसे पहले आपसे जो वादा किया था वो मैंने आपको मैसेज किया है, सभी को मैसेज मिला है, उसके बाद से क्योंकि जैसे ही डॉक्टर की, अब हम लेट करते तो बात सही नहीं थी, उसको हमने आपको शेयर कर दिया और अपना दायित्व जिम्मेदारी निभा दी है। SC ST एक्ट भी जुड़ चुका है इस मामले में, कितने मुश्किल होने वाली है आपके मुवक्किल को? नहीं SC ST एक्ट जुड़ा है तो SC तो ये भी है, मधुकर भी SC है, SC मधुकर भी है, दलित समाज बहुत है और खुद अगर देखिए संत की कभी जाति नहीं होती है, संत का कभी कुछ नहीं होता है, सब संत नारायण साकार हरि के अनुयायी हैं, अनुचर हैं, लेकिन SC की बात मैं नहीं करता,
ये तो कानून की बात है, लेकिन एससी तो मधुकर भी हैं। ठीक है, एपी सिंह जी, एक और सवाल है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी अब ट्रस्ट की ओर से शुरू हो चुकी है। ये अनाउंस किया गया कि जो बच्चे हैं पीड़ित परिवार के, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च, शादी का खर्च, वो ट्रस्ट की ओर से उठाया जाएगा। क्या ये आइडिया भी आपने दिया ट्रस्ट को? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आइडिया नहीं है। ये दर्द है, ये दुख है, ये भावना है, ये आत्मसात करने वाली बात है। किस तरह से, कैसे, हमारी जिला स्तर की कमेटियों ने हमसे कहा कि हम बिल्कुल तन मन धन से अपने परिवार की तरह जिन मृतकों के साथ हुआ उनके साथ सहयोग करेंगे, और इंजर्ड के साथ तब तक सहयोग करेंगे जब तक उनके परिवार के लोग और इंजर्ड सही नहीं हो जाते हैं। ये आइडिया नहीं है, ये भावना है, ये भाव है। ठीक है, देर से ही सही, ये भाव सामने तो आया कम से कम, नहीं तो हादसे के बाद से ही सूरज पाल तो लापता है, वो तो लापता है, कम से कम मधुकर ने सरेंडर किया और ट्रस्ट की ओर से ये बयान भी आया। धन्यवाद एपी सिंह जी न्यूज 18 से बात करने के लिए। तो मधुकर ने आज सरेंडर कर दिया, दिल्ली में सरेंडर किया, और अब ये कहा जा रहा है कि जांच में हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे।